हे गाइस, आई एम साक्षी गोस्वामी। वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल बैंकिंग एस्पायरेंट चैनल। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। गाइस, हमारी एसबीआई क्लर्क प्री की टू डू लिस्ट का आज डे 23 है। आज हम डे 23 पर बात करने वाले हैं। होप आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा जो सीखा उससे आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा होगा। आप लोग मॉक दे रहे होंगे या जो पहले से देते थे उन लोगों को अब इम्प्रूवमेंट लग रहा होगा। आप लोगों के बेसिक क्लियर करवाने का मेरा मेन मोटिव है जो कि हम लोग इसमें कर रहे हैं। 50 डेज की स्ट्रेटेजी है हमारी, जैसा कि आप सबको पता है। अब मैं आप लोगों से जो आज बात करने वाली हूँ वो इस पर करने वाली हूँ कि मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। अब वो कुछ चेंजेस क्या हैं अभी हम इस पर देखते हैं कि क्या आप लोगों को कैसे करना है चीज़ें जिससे आप लोगों को थोड़ा बेनिफिट हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मेरा एक मोटिवेशनल कोट रहता है जो आप लोगों को बहुत पसंद आता है और आप लोग बोलते हैं मैम कि बोला करो, हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो गाइज़ आज का मोटिवेशनल कोट कुछ इस तरीके से है। हर दो पल की शोहरत के पीछे आज की गई कड़ी मेहनत होती है। समझे? अगर आप लोगों को फ्यूचर में, आप लोग चाह रहे हो कि अपने लिए कुछ, अपनी फैमिली के लिए कुछ, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ अच्छा करना, तो आज आप लोगों को वो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो 8-10 घंटे की हो, चाहे 11-12 घंटे की हो। आप लोग बोलते हैं कि मैम जब पूरे दिन का तो आपने शेड्यूल ही बना दिया तो हम लोग क्या, बाकी कुछ करने के लिए तो टाइम ही नहीं बचा। तो गाइस, आप लोगों के लिए क्या मैटर करता है फिलहाल कुछ बाकी और करना? इससे ज़्यादा कुछ और इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को अपना फ्यूचर सुधारने का इतना अच्छा टाइम मिला हुआ है कि इस टाइम पर आप लोगों को कुछ किस और चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग पढ़ो, पढ़ाई आप लोगों का मेन इस समय मेरे ख्याल से एम होना चाहिए कि आपको जॉब लेनी है तो हम लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं आज का। 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में आप लोगों को जो चैप्टर करना है आज, वो मिक्सचर एंड एलिकेशन है। अब जो मैं बोल रही हूँ कि मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की है, वो अलग क्या है गाइस? अब मैं आप लोगों को जो चैप्टर्स करा रही हूँ, जो इसमें बचे हुए चैप्टर्स हैं, वो ऐसे हैं कि जिन पर DI बेस्ड होती है, जिस पर DI आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, चाहे वो प्रीलिम्स लेवल में हो चाहे वो मेंस लेवल में हो। ओके, प्रीलिम्स में SBI क्लर्क में तो नहीं बोलूंगी कि अर्थमेटिक बेस्ड आती है, बट कभी कभी देखने के लिए मिल जाती है तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते बिकॉज ये SBI है। SBI में आप लोगों को कभी भी ऑल ऑफ सडन कुछ भी देखने के लिए मिल जाता है। ओके, तो हम लोगों की प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि हम कुछ भी पेपर में आए हम लोग कर ले जाएं। तो अब मैं जो चैप्टर दूंगी उसके नेक्स्ट डेज कोशिश करूंगी कि उसी की बेस्ड DI दे दूं आप लोगों को, जिससे आप लोगों को चैप्टर क्लियर होता जाएगा और DI वाला पोर्शन भी क्लियर होता जाएगा। अभी हम लोगों ने मिक्सचर एंड एलिगेशन शुरू किया है और सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में आप लोगों को करवा चुकी थी। सिंपल इंटरेस्ट पे आज आपकी जो DI है वो बेस्ड होने वाली है। 3 सेट आप लोगों को करने हैं, जैसा मैं डेली बोल रही हूँ कि पहले आप वीडियो देख सकते हैं अमर सर के, उस वीडियो से करने की कोशिश कीजिए, पॉज करके पहले समझिए फिर पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। लेकिन ये 3 सेट जो है वो आप लोगों को अलग से लगाने हैं। अब वो आप लोग मॉक टेस्ट से लगा सकते हैं अगर आपने कोई परचेस कर रखा है, या आपके पास कोई बुक है वहाँ से लगा सकते हैं। अदरवाइज मैंने आप लोगों को गाइडली का बंडल PDF के बारे में बोल रखा है कि काफ़ी बेहतरीन है, एग्जाम ओरिएंटेड उसमें चीज़ें हैं। आप लोगों को ये नहीं कि हाँ इधर उधर का बस PDF बना दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी अच्छे लेवल का बनाया हुआ है। 50 डेज स्ट्रेटेजी है उनकी भी, ऐसे आप खरीदें तो पूरा ईयरली पैकेज है उस बंडल PDF का। आप लोगों को सारे एग्जाम की टेंशन खत्म हो जाएगी। ओके, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को परचेस करना है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ जिससे आप लोगों को अगर मेरा कूपन कोड लगा के परचेस करते हैं तो डिस्काउंट भी मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट ये है कि बायलिंगुअल है। आप लोगों में से बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो हिंदी मीडियम के हैं तो उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो गाइज ये हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में तो है ही। ओके, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है किसी क्वेश्चन में, आप लोग अटक जाते हो, तो उसका वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को हाथों हाथ मिल जाएगा, उसी समय आप लोगों की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए मैं जो भी आप लोगों को इसमें क्वांट में, रीजनिंग में, इंग्लिश में बताती हूँ तो गाइडली का बंडल PDF बोलती हूँ कि आप लोग ले लेंगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिट है कि आप लोगों को इधर उधर ढूंढने में टाइम नहीं वेस्ट करना एटलीस्ट। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में न्यूज़पेपर रीडिंग है। द हिंदू का न्यूज़पेपर बोलती हूँ मैं आप लोगों को पढ़ने के लिए। क्यों द हिंदू का बोलती हूँ? बिकॉज इसमें से एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, इंग्लिश में भी, करंट अफेयर में भी। जिनके आता है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जिनके यहाँ पाता है उनके लिए मैं टेलीग्राम पर, अपने टेलीग्राम चैनल पर PDF डेली इसका प्रोवाइड करती हूँ, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पढ़ते टाइम पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस पेन पेपर लेके बैठना है गाइज, और कोशिश कीजिए कि जो आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं ओके, उसमें जो भी वर्ड आ रहे हैं उस वर्ड को लिखिए, उसका हिंदी मीनिंग लिखिए, साइनो एंटो लिखिए, और कोशिश कीजिए कि उससे एक वर्ड बना सके।
नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है, 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में करंट अफेयर्स का वीडियो देखने के लिए बोलती हूँ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें प्री निकाल के तो नहीं रुकना है, मेंस तक जाना है और मेंस भी निकालना है। तो आप लोग अड्डा 247 पर आशीष गौतम सर का देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है, अच्छा कॉन्टेंट सर देते हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं। किसी और का पहले से देख रहे हैं तो आराम से देखिए, कोई टेंशन नहीं है, बस आप लोगों को डेली करंट अफेयर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। गाइस कल से मैंने अपने चैनल पर एक क्लास शुरू की है जिसमें मैं अप्रैल मंथ से जो भी आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, जो एग्जाम में आप लोगों को डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे, उन पर मैं वीडियो डाल रही हूँ। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो आप लोग जाओ चैनल पर देखो, कल से करंट अफेयर की एक सीरीज शुरू की है। बहुत ज़्यादा मैं उसको टाइम इसलिए नहीं दे रही हूँ, उसमें बहुत लंबा नहीं खींचती हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास है टाइम कम, आप लोगों को जो भी एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाला है वो आपको उस वीडियो में मिलेगा। जाओ वीडियो को पूरा देख लो, जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प होगी। कोशिश करो कि नोट्स आप लोग भी बना के चलो। नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है, 2:00 बजे से लेकर 3:15 बजे के बीच में आप लोगों का रीजनिंग रहता है। लॉजिकल रीजनिंग में इन्फ्रेंसेज वाले क्वेश्चन चल रहे हैं आप लोगों के, आज इसका डे सेकंड है, इसलिए आप लोगों को ये भी करना है। आज आप लोगों को क्या करना है, जो मैंने थोड़ा और चेंज किया है वो ये है कि आप लोगों को फ्लोर बेस्ड पजल करनी है। अभी तक मैं सिर्फ पजल लिखती थी, आप लोगों को समझ में आता था नहीं, पता नहीं मुझे, लेकिन आप लोगों को मेरा एक पजल लिखने का मतलब था कि आप लोग बेसिक चीज़ें समझ लें। ओके, अब आप लोगों को मैंने देना शुरू कर दिया है कि आपको किस पर बेस्ड करना है। तो आज आप लोग को फ्लोर बेस्ड पजल ढूंढनी है, वो करनी है। अंकुश लामा सर की वीडियो से कर सकते हैं, उसके बाद लेकिन वीडियो देखने के बाद जैसे सेम मैंने यहाँ बताया, ये आप लोग कोशिश कीजिए कि खुद से मॉक से बुक से कहीं से भी निकालिए, तीन सेट खुद से कीजिए। गाइडली का बंडल पीडीएफ जिन्होंने परचेस कर लिया उनके लिए तो बढ़िया ही है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, आप लोग वहाँ से कीजिए। ओके, जिन्होंने नहीं किया है, अफोर्डेबल प्राइस पर है, आप लोग परचेस कर सकते हैं गाइस। नेक्स्ट है आप लोग का 3:15 से 4:15 के बीच में क्या 20-20 मिनट के सेक्शनल टेस्ट। अब क्योंकि हम लोग मॉक 2-3 दिन से लगातार कर रहे थे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग उसको छोड़ दो, 20-20 मिनट के सेक्शनल टेस्ट करो। सेक्शनल टेस्ट से क्या होता है कि स्पीड हमारी बढ़ती है। ओके, और 20-20 मिनट वाले करने से ये फ़ायदा और हो जाता है कि आपको अलग अलग, ये नहीं है कि हाँ एक ही घंटे में पूरा करना है, उसको आप लोग थोड़ा टाइम दे के कर सकते हो, तो आप लोग का माइंड उस फ्रेम में रहता है उस टाइम पर कि आप लोग को चीज़ें समझ में आती हैं। उसके बाद एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, ये मैंने इसलिए ऐड ऑन कर दिया है मॉक सेक्शनल मॉक के बाद भी, क्योंकि हम लोगों का ऐसा होता है मॉक करते टाइम पे कि हम लोगों को चीज़ें उस समय अच्छे से क्लियर नहीं होती हैं, लगता है कि आ रहा है फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, वही आप लोगों को एनालिसिस के टाइम पे पहचानना है कि आप लोगों की गलती कहाँ हो रही है। नेक्स्ट आप लोगों को 5:30 से 6:30 बजे के बीच में क्या करना है कि इंग्लिश का है हमारा। ओके, इंग्लिश में आप लोगों को 120 रूल ऑफ ग्रामर करना है, क्योंकि हम लोग का ग्रामर का रीड आउट करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है। अब इसमें क्या चेंजेस है गाइस, 1 प्री लेवल का और 1 मेंस लेवल का, आज इसमें ये चेंजेस है, आप लोगों को ढूंढना है करना है। गाइडली बंडल पीडीएफ में आप लोगों को ये भी मिल जाएगा, अगर कहीं आपके पास बुक है तो बुक से कर सकते हैं। 7:00 से 8:00 बजे के बीच में वॉकअप का रिवीजन करना है, जो सुबह हम लोगों ने वर्ड कलेक्शन किया था उसका, प्रीवियस डे में जो आप लोगों ने लिखी है उसका, प्लस एडिटोरियल का वीडियो देखना है। निमिषा बंसल मैम अपने चैनल पर प्रोवाइड करती हैं, काफ़ी अच्छा रहता है, वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को क्या करना है, 9:00 से 10:30 बजे के बीच में, मैं आप लोगों को सोने से पहले क्या बोलती हूँ कि करंट अफेयर के क्विजेस कीजिए। करंट अफेयर के क्विजेस क्यों, क्योंकि हम लोगों ने सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा है, करंट अफेयर देखा है, क्विजेस कर लेंगे तो हमारा दिन भर का टेंशन खत्म, एक दिन की करंट अफेयर आप लोगों को आराम से हो जाएगी। यहां से कहां से करना है, अड्डा 247 के ऐप से कर सकते हैं। लास्ट गाइस, मैंने आप लोगों को आज जो दिया है वो यही दिया है कि रिवाइज बुक्स एंड ऑथर लिस्ट। मैंने जो कल आप, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने अपने चैनल पर करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट कर दिया, वो सीरीज़ में आप लोगों को बुक्स एंड ऑथर्स मिलेंगे, कौन से मंथ के, अप्रैल मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर। जाओ जाके देख लो, उसको नोट डाउन कर लेना और उसको एक अच्छे तरीके से कोशिश करो कि डेली वाइज आप लोग चीज़ें याद करते चलो, जैसा जैसा मैं दे रही हूँ। अब आप लोगों को ये एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। ओके, तो आपकी आज की टू डू लिस्ट ये थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। जितना हो सके शेयर करो और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।